कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। विख्यात कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन के विरोध में हो रही बयानबाजी करने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा करने वालों ने माँ का दूध नहीं पिया, इन लोगों ने डिब्बे अथवा थैली का दूध पिया है। अगर माँ का दूध पिया होता तो उनमें संस्कार होते, सनातन एवं धर्म ग्रंथों पर हमला नहीं बोलते। पंडित मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बेटियों व महिलाओं द्वारा आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने की भी वकालत पंडित मिश्रा ने की। उन्होंने कहा कि जब महिला शस्त्र उठाती है तो वेद माता हो जाती है और शस्त्र उठाने पर दुर्गा उनकी एक लोटा जल सभी समस्या हल की संकल्पना पर। उन्होंने कहा कि भगवान राम व कृष्ण भी शिव भक्त थे, शिव की सभी देवता आराधना करते हैं, शिव आराधना से संकट दूर होते हैं। विरोध करने वाले जो बयानबाजी में विरोध कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जो माता का दूध पिया हुआ होता है ना, वो कभी हमारी रामायण भागवत गीता या सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाता। जो डब्बा या थैली का दूध पिया होता है ना, वही उंगली उठा सकता है, बाकी का कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये तो आपके स्तनपान पर आधारित है कि आप किस भाव में कह रहे हो। कोई रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहा है, कोई गीता जी पे उंगली उठा रहा है, कोई राम पर उंगली उठा रहा है, मतलब सिद्धता है कि आप माता का दूध नहीं पिए हैं, आप डब्बे और थैली का दूध पीकर बड़े हुए हैं। जो माता का दूध पिया हुआ था उसमें संस्कार होते हैं, उसमें संस्कार झलकते हैं, और संस्कार झलकते हैं मतलब रामचरितमानस पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उसके प्रति हमारा आदर होता है, उसके प्रति हमारा सम्मान होता है। हम घर से निकलते हैं तो अपने माँ बाप को चरण छू कर जाते हैं, हम घर से निकलते हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख कर जाते हैं। ये हमारे घर का संस्कार है, जो हमको झलकता वो दिखता है। हमने अभी भी कहा, भैया ने प्रश्न किया था तो हमने वही बोला है कि जो सनातन धर्म की ध्वजा लेकर चलेगा पूरा राष्ट्र उसके साथ चलेगा। अब उसमें सनातन धर्म की ध्वजा लेकर अगर मोदी जी चल रहे हैं या कोई चल रहा है तो पूरा राष्ट्र उनके साथ चल रहा है। जो सनातन धर्म से पीछे हट गया या अन्य धर्म की ओर जागृत हो जाता है या उसका आकर्षण वहां हो जाता है, तो फिर हमारे सनातनी भी कहीं ना कहीं निर्णय देने के लिए आतुर होता है। भगवान हमारी माता रानी दुर्गा भवानी, वेद भी उठाइए तो वेद माता कहलाइए, शस्त्र भी उठाइए तो दुर्गा कहलाइए। स्वयं की रक्षा के लिए जब शुंभ निशुंभ सामने आ गए माता के और माता से कहते हैं हम दोनों में से एक से विवाह कर ले, तब शुंभ निशुंभ के शब्द सुनकर माँ भवानी अंदर गुफा में जाती है और भगवान शिव से कहती है कि मेरे से विवाह करने के लिए शुंभ निशुंभ आए और कहते हैं कि एक से विवाह कर ले नहीं तो तू मर जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं मुझे उठकर जाने की जरूरत नहीं है, आप में वो बल है, हर नारी में शिव समाया होता है और हर पुरुष के अंदर एक शक्ति समाई होती है, तो तुझमें वो बल है कि तू अकेली निपट सकती है, एक नारी में वो बल होता है। तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि वो बल कैसा, तो शिव कहते हैं जब नारी शस्त्र उठाती है तो वो वेद माता कहलाती है और जब वो शस्त्र उठाती है तो दुर्गा कहलाती है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई बड़ी बात नहीं, आप जाओ उठाओ शस्त्र और सुमनिशुन का संघार करो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोतड़े नागपुर। सस्ता सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे, हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।